सेटअप ऐसा कुछ है। सो यहाँ पे अपना सारा पोजीशन पोजीशन यहाँ से मॉनिटर हो रहा है। एल्गो कस्टमर्स का पोजीशन यहाँ से मॉनिटर हो रहा है। यहाँ से मैं ईमेल रिप्लाई कर रहा हूँ चार्ज की तरह। कितना सारा बोरिंग वाला डे देखो, पूरा मतलब चॉपी करके रख दिया। कहीं से एक ब्रेकआउट तो होना चाहिए। यहाँ पे हम एडिटिंग मैं सोमजना ब्लॉग्स एंड ओडेटो का ब्लॉग्स एंड ये मेरे को आज एक चाहिए, इसको जाकर मेरे को लेके आना पड़ेगा। 16 TB लेसी का USB-C वाला ड्राइव चला अमेजोन पे ज्यादा है, ये एक अलग वाला स्टोर पे है, उनके पास जाके स्टॉक में है, जाके वहाँ से मेरे को आके लेना है। सो आज का अपना प्लान रहेगा, जैसे ही मार्केट खत्म होता है तब उसका सैमसंग S23 ऑलरेडी आ चुका है, उसको जाके हमें डिलीवरी लेके आना है। उसके बाद जाके अपना ये वाला लेसी वाला ड्राइव उसको भी लेके आएंगे। एंड होपफुली यू लाइक दिस सेटअप। कल मैंने आपको पूरा डिटेल्स में बता दिया था एंड काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सोम भाई ये कौन सा मॉनिटर है, आपने कौन सा क्या कैसे क्या कनेक्ट किया है। भाई कनेक्शन पूरा ही सिंपल है, आपको ओनली मैक में नहीं, अगर आपको 3 ऐसे मतलब बड़े बड़े डिस्प्लेस चाहिए देन आपको M2 Pro ही लेना पड़ेगा, नहीं तो बेसिक वाला भी ले सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँ M2। अगर आपको 3 बड़े बड़े 4K डिस्प्लेस चलने बेस्ट इज M2 Pro ले लो, नहीं तो भाई हैंग होगा, स्लो चलेगा। अगर आपको 3 नहीं लगाना, ओनली 2 लगाना है देन तो आप पुराना वाला भी ले सकते हो, बेस मॉडल भी ले सकते हो। मेरा 3 लगा हुआ है तो ऐसे ही कुछ है। मैं सारा जो भी सामान यूज़ हो रहा है सबका लिंक मैं नीचे डालता हूँ जस्ट इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड। एंड लेट मी टेल यू, आप जितने भी कोई भी दुकान में चले जाओ सब आपको भाई ठगेंगे, ये मॉनिटर ले लो वो मॉनिटर ले लो। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम एक्सपीरियंस, दोज मॉनिटर्स, ये जो मॉनिटर मैं यूज कर रहा हूँ दोज आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इससे अच्छा मॉनिटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। 27 इंच, 32 इंच, 40 इंच कहीं भी जाके ढूंढ लो, कितना भी पैसा दे दो, इससे अच्छा मॉनिटर आपको मिल नहीं सकता। दिस इज दी बेस्ट मॉनिटर्स आई हैव बीन यूजिंग सिंस ईयर्स, मतलब कितने सालों से मैं यूज़ कर रहा हूँ यू हैव नो आइडिया। ये तो अभी नया हुआ है, बाकी ये सारे मॉनिटर LG का IPS वाला मॉनिटर 4K मॉनिटर बेस्ट इन द वर्ल्ड। एप्पल का मॉनिटर को भी काट के चला, इतना अच्छा मॉनिटर है। सारा मॉनिटर्स का लिंक मैं नीचे डाल देता हूँ। एंड ये होल सेटअप में जो सबसे फेवरेट वाला मेरा जो सामान है दिस वन, क्या जबरदस्त सामान, इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाएगा, वेट करो वीडियो के लिए। चलते हैं अभी लंच खा के आते हैं। लंच रेडी, दो रोटी ऑमलेट एंड द एग वाला करी। या व्हाट आर यू डूइंग विद ब्लू चड्डी? गुड इवनिंग गाइस, सो टाइम राइट नाउ इज 7:30 PM इंडिया में। ऑलरेडी ये वाला वीडियो एक्चुअली कल आने वाला था बट आज थोड़ा हम लोग लेट हो गया, तो मालूम था कि लेट होगा, इसलिए ऑलरेडी कल के लिए वीडियो कल वो आ चुका है S23 वाला। सो ये वाला वीडियो आप जो देख रहे हो ये एक्चुअली कल का ट्रेड है, मतलब आज ही आप देख रहे हो वेडनेसडे, आज हम कल ट्यूजडे थे ना, तो चलेगा एक दिन के पीछे ही है क्योंकि इंडिया और दुबई का टाइम वैसे ही मैच नहीं कर रहा। तो हम लोग आए थे अभी थोड़ा रील वील लेने के लिए। ये वाला अपना मेन वाला लोकेशन है, जब भी रील लेना रहता है हम लोग यहाँ पे, आपको पीछे से दिखता होगा मेन वाला इलाका है हमारा बुर्ज खलीफा पूरा यहीं पर। एंड दिस इज द सूक कल बाहर कभी भी आते हो यहाँ इस ट्रीटर बुक करके जा सकते हो, दिस इज द प्लेस लुक्स लाइक। एंड यहाँ पे आज हम लोग आए थे अपना वो वाला ट्रेड्स को अपन एक्सप्लेन करेंगे। आज ऑप्शन बाइंग में कितना रहा फाइनल? 1.71 लाख एंड भाई टाइम पूरा 1.7 crore 1.7 crore सीधा अभी हमें एक्सप्लेन करेंगे, पहले थोड़ा म्यूजिक को एंजॉय करते हैं। एंड तापस अभी भी लगा हुआ है सिग्नल देने में, म्यूजिक एंजॉय करके सिग्नल चालू है। ये एक बार म्यूजिक खत्म होगा उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। कभी भी दुबई आते तो यू हैव टू मेक श्योर यू आर कमिंग टू एंजॉय दिस म्यूजिकल फाउंटेन। बाकी क्या जबरदस्त दिख रहा है म्यूजिक, होपफुली कॉपीराइट नहीं है, क्या मस्त। एंड आपको एक छोटा वाला एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग आज हुआ था कितना, वही 55 या 56 लाख में, एग्जैक्टली 1% जैसे हुआ मैं एग्जिट करती हूँ, 1% ही टारगेट करता है एक ऑप्शन सेलर। सेलिंग के लिए 1% बहुत ज़्यादा है। अगर एक दिन में 1% मतलब अगर आप 30 दिन में, अगर इवन इफ यू आर विनिंग फॉर 15 डेज, अगर 5-6 दिन में आप स्टॉप लॉस दे दो स्टिल यू आर मेकिंग क्लोज टू 10-12%। एंड ऑप्शन सेलिंग में 60 लाख यूज होके हुआ कितना, 62,000। एंड ऑप्शन बाइंग में टोटल कितना यूज इतना, 55 वही ऑप्शन बाइंग में 55 लाख यूज होके टोटल बना 1.72 करोड़ एग्जैक्टली ट्रेड्स का ब्रेकडाउन है। एंड कितना सारा ऑर्डर्स लगा है वो भी मैं दिखा देता हूँ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। एंड कल से एग्जैक्टली एक अपना सी वाला BTST था, कितने थी क्वांटिटी? 6,000, एक में था 9,000 और मार्केट ऊपर भी खुला, ज्यादा बड़ा गैप तो नहीं था, सारा बहुत छोटा था। प्रॉब्लम यही होता है BTST में, सारा खुलता तो है ठीक है बट जैसे आप एग्जिट मारने जाओ स्लिपेज में ही निकल जाता है, कोई मतलब ही नहीं बनता। एक आईडी पे दिखा जिसमें 9,000 क्वांटिटी था उसमें 6 लाख समथिंग प्रॉफिट दिखा, एंड दूसरा आईडी पे 4,50,000 समथिंग, मतलब 10 लाख दिखा रहा था क्लोज टू। बट एग्जिट हुआ मेरे एक में 1,14,000 और एक में एग्जिट हुआ 1,54,000, मतलब 10 लाख बन गया 2 लाख।
2 लाख एग्जिट हुआ, उसके बाद हम लोग लाइव सेशन में पूरा चौपी जोन था, पूरा चौपी, उसमें भी हम लोग चौपी में भी बन गया 1.72 करोड़ ट्रेंडिंग में, तो छोड़ ही दो। उसमें हीरो जीरो एक ट्रेड लिए थे, आई थिंक एक ट्रेड जो दिया था ग्रुप में 11 रुपीज पे हम लोग बाई किए, लास्ट पी वाला फिन निफ्टी फिन निफ्टी का पी लिया 18,300 पी, 11 रुपीज से वो चला गया था 60,000 समथिंग, बट 60 11 to 60 मैंने एग्जिट किया अराउंड 45, उसके बाद और भी गया हुआ, उसके बाद 15 गया, अगर मैं वेट करता तो और 40-45 लाख और हो टोटल हुआ था शायद, टोटल तो दिखा रहा था क्लोज टू 2 crores, हाँ 2 crores, बट स्लिपेज में चले गया क्लोज टू 20-25 लाख, तो चले ही जाता है कभी भी आप एग्जिट मारो तो चले जाता है, जीरो था तो अभी ब्लॉक दिखा रहा है, आइसबर्ग जैसे ही मारते हैं, आइसबर्ग वो बोल रहा है कुछ रेगुलेटरी इश्यूज, नॉट एबल टू प्लेस ऑर्डर, उसके लिए धन यूज हो रहा था, धन यूज धन में हुआ, एक बार में 3200 लॉट एक साथ प्लेस हो जा रहा है, वो होता है वो घूम रहा है कि प्रोसेसिंग हो रहा है, एक क्लिक में हो रहा है, 10-15 सेकंड में मतलब ऑर्डर प्लेस, जीरो तो मैं तो हम एक करते ही टाइम निकल जाता है, बहुत ज्यादा स्लिपेज बन जाता है, उसके बाद जीरो पे भी मेरा 70 लाख समथिंग दिखा रहा टोटल में। तो ये था धन वाला अकाउंट में कितना सारा स्ट्राइक प्राइस लगा था, देखो एक था अपना 18,250 फिन निफ्टी पुट जो था 6,40,000, ये तो BTST था, 9,000 क्वांटिटी जो 1 लाख में एग्जिट हुआ, बट एग्जैक्टली दिखा रहा था 6 लाख ऐसा कुछ, बट एग्जिट होते होते 1 लाख, उसके बाद जाके ये बैंक निफ्टी का एक पुट जो कि नेगेटिव में स्टॉप लॉस हिट एंड -68, उसके बाद फिन निफ्टी का ये और एक था अपना वही 0 to 0 2,30,000 क्वांटिटी, मतलब 2,40,000 पकड़ लो, उसमें हुआ 11 लाख, एंड जो लास्ट वाला जो मेन था 6,40,000 क्वांटिटी फिन निफ्टी 18,250 वो भी पुट, उसमें हुआ 1,06,00,000, तो टोटल हुआ इसमें क्लोज टू 1,17,000, एंड टोटल क्वांटिटी था पकड़ सकते हो क्लोज टू 9 लाख का क्वांटिटी, ओनली यही धन में ही था, धन वाला डॉर यही थी इतने क्वांटिटी कोड ऐसी ला। उसके बाद जाके अपना जीरोधा में हुआ, ये था जीरोधा का अकाउंट, जीरोधा में ये वाला एक था अपना कहाँ गया सी ए BTST, तो यही वाला ही था 1,50,000 ये था BTST, उसके बाद ये जो पुट ये जो एग्जिट हुआ, उसके बाद जाके ये अपना था फिन निफ्टी का ये एक था 18,300 पी, यही गया था क्लोज टू 11 से 60 ऐसा कुछ गया था, और ये और एक ये और एक स्ट्राइक, ये और एक था 2 रुपीज़, एक 11 रुपीज़, और एक था 4 रुपीज़, तीनों ये 2 रुपीज़ चला गया था 12 रुपीज़, दो वाला गया 12, फोर वाला 25 चला गया था 25 समथिंग, 11 वाला गया 60 बट 45 में एग्जिट हो चुका था, तो ये हुआ फाइनल 52, एंड ऑर्डर्स पेज में कितना एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स देखो, डक 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 378 एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स, इसमें तो भाई स्क्रॉल करोगे थक जाओगे, स्क्रॉल मार के ऑर्डर है 1,000 धन में ऑर्डर का लिस्ट देखो, ढक 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 ये भी खत्म नहीं होगा, स्क्रॉल मारते जाओ बस खाली स्क्रॉल ये उसमें 1,000 ऑर्डर सेलिंग, बहुत स्लिपेज चला जाता है, एक क्लिक में एक्चुअली दे देना चाहिए कितना सारा, देखो कितना ऑर्डर्स कितना हो सकता है, लेट्स सी कौन बोल सकता है कि ब्रोकरेज कितना होगा, इसमें पकड़ लो है 378 ऑर्डर्स, इसमें है पकड़ लो 1100 ऑर्डर ना, 1100 ऑर्डर कितना ब्रोकरेज होगा दोनों अकाउंट मिला के बताओ, सो फाइनल हुआ इसमें हुआ 52.37 लाख, एंड इसमें हुआ फाइनल 1 crore 17 lakhs, 1 crore 17, मतलब पकड़ लो वही 1.73 crores वॉज द टोटल आज के लिए पैसा हो जाऊँगा, टोटल 1.72 crore, एंड अभी आपको ट्रेड का तो ये तो मिल गया कि कितना कितना क्वांटिटी था, लोग पूछ रहे थे कितना क्वांटिटी पंच होता, टोटल क्वांटिटी शायद क्लोज टू 10 लाख क्वांटिटी था, धन में क्वांटिटी था क्लोज टू 9 लाख, नहीं 10 लाख से ज़्यादा था, 11 लाख क्वांटिटी था, धन में था 9 लाख, एंड इसमें था 2,30,000 या 2,40,000, 11 लाख क्लोज टू क्वांटिटी था, बट क्वांटिटी का तो छोड़ दो, रिस्क का हाँ वो तो पार ओटीएम भी था, 2 रुपीज़ 4 रुपीज़ पे टोटल इन्वेस्ट हुआ था समवेयर अराउंड 50 या 55 लाख, तो 55 लाख इन्वेस्ट होके टोटल बना 1.72 crores, बट पर ट्रेड में कितना कितना रिस्क था वो तुम्हें तापस ही बोल सकता है, क्योंकि वही क्वांटिटी ले रहा था, जब टोटल तीन फार ओटीएम बाय किया गया था, एक 2 रुपये में और एक 4 रुपये में और एक 11, तीन थी ना, दो में हम लोग बाय किए थे अराउंड आई थिंक कितना था क्वांटिटी देख लेंगे, दो वाला आई थिंक 2,50,000 2,50,000 एटा तो एक ये वाला था, ये वाला 2 रुपीज़ 2 रुपीज़ 2,50,000 मतलब 2 लाख इंटू 2 4 लाख समथिंग इन्वेस्टमेंट था, 4 लाख है, 4 लाख से बन गया वो 12 लाख, हाँ 4 लाख, एंड जो था 4 लाख इसमें 25 लाख समथिंग, 7 लाख
वाला 4 रुपए में टोटली इन्वेस्ट हो रहा 30 लाख 25 लाख बन गया 1 करोड़ 1 करोड़ 6 लाख 4 times हो गया एंड जीरोधा पे 25 लाख इन्वेस्टमेंट था उस पे बन गया 50 जीरोधा था 2,50,000 क्वांटिटी 2,11,000 रुपए में खरीदा गया था तो 25 लाख डबल हो गया क्लोज टू 53 लाख तो मतलब पर ट्रेड में इतना रिस्क था अगर अगेंस्ट में जाता तो उतना माइनस भी होता तो आपको ओनली प्रॉफिट दिखता है बट रिस्क नहीं दिखता कौन है लोग कहां से आते हैं मेरा आपको रिस्क देखना है बट वो जो रिस्क भी लेते हो पिछला प्रॉफिट का कुछ परसेंट लेते हैं क्योंकि अगर हम लोग ये प्रीवियस वीक का टोटल अराउंड 5 करोड़ हो गया एक लास्ट 7 डेज में 5 करोड़ हुआ टोटल तो 5 करोड़ प्रॉफिट का 50 लाख में रिस्क लिया था अगर लॉस होता तो वही 50 लाख से जाता तो दिया था वो छपड़ फट वीकली हम लोग उतना एफर्ट कर ही सकते हैं क्योंकि प्रॉफिट का कुछ परसेंट देने में एंड सबसे बेस्ट है कि ये पूरा वीक बजट के 2 दिन के बाद पूरा चौपी ही था एंड लास्ट 5 दिन में जो 5 करोड़ से भी बना है उसमें से 4 दिन चौपी दिन में ही बना हुआ है टोटल चौपी मतलब पूरा ऊपर से सेल पूरा नीचे में एग्जिट पूरा स्नाइपर एंट्री होता था एग्जिट होता था एक एक ट्रेड में खतरा देखा बस खाली ये म्यूजिक में कॉपीराइट नहीं आना चाहिए वो फुल ना आए कॉपीराइट आया तो फिर म्यूजिक को डिलीट करेंगे अलग वाला अपना सूर्यवंशम्मा म्यूजिक डाल देंगे इतना ही था हम लोग तो एक अच्छा वाला जगह ढूंढ रहे थे जाके बैठ के वहाँ जाके वाला वीडियो बना रहे साला वहाँ खाली लिए बीफ ही मिल रहा था चिकन वाला कुछ ऑप्शन ही नहीं था नहीं तो मस्त वाला एक सीट को बुक करके चिकन विकन खा के आराम से वाला वीडियो को बनाते वहाँ पर ओनली बीफ वाला ऑप्शन था एंड यहाँ पर भी ऐसा है कि आप कहीं भी जाओ तो आपको सीट पहले से बुकिंग करके रखना पड़ता है सीट बुकिंग नहीं है तो आपको मिलने वाला नहीं क्या जबरदस्त अभी भी दुबई आते हो तो उस तरफ से जाके दुबई मॉल से जाके लाइट शो नहीं देखने का यहाँ शो कल रहा है यहाँ पे आके लाइट शो देखेंगे पूरा एग्जैक्ट व्यू आ जाएगा पूरा क्लियर वाला व्यू यहीं पे आ जाएगा बाहर वाला एरिया ऐसा कुछ दिखता है पूरा यहाँ पे रेस्टोरेंट पूरा फुल है एंड यहाँ से आप बोट राइड भी ले सकते हो ये एक होटल पूरा है यहाँ पे होटल में पैसे वाले ऑटो यहाँ पे रुक सकते हो पूरा यहाँ से बैठ के आप सीधा लाइट शो पर एंजॉय कर सकते हो बलवंत जी हम लोग आए थे अभी आया अपना बनाना शेक मिल्क शेक मैंगो मिल्क शेक ये ग्रिल्ड चिकन पीटा ब्रेड वो आया हुआ चिकन वाला चिकन दूसरे होते तो आज दादू दादू पी के पूरा मस्त पार्टी बन जाता है हमारा पार्टी तो ये मैंगो लस्सी है बनाना मिल्क से ही हो जाता है टेलीग्राम में जो फोटोज डाल था उसमें कमेंट्स पढ़ रहा था वहाँ सबसे मस्त कमेंट था एक मस्त कमेंट था उसने लिखा है जितना क्वांटिटी तापस भाई लेते हैं ये 10 लाख का क्वांटिटी था उतना तो हमने आज तक प्रॉफिट भी नहीं देखा है और किसी ने भी बोला था कि जितना क्वांटिटी ये लेते हैं उतना तो टोटल कैपिटल नहीं है डीमैट अकाउंट में लोगों के लिए मस्त एक एक फोटो डाल दो पूरा कॉमेडी मीम्स की तरह वेट करते रहो कॉमेंट्स आने तक इतना अच्छा वेदर हर दिन सुबह ट्रेड करो शाम को निकल जाओ पूरा कन्वर्टेबल जाइए ऐसा वेदर में कन्वर्टेबल में बैठो पूरा रात भर घूमो उसके बाद जाए घर जाओ नॉर्मली अगर आपको कभी भी दुबई आना होगा बेस्ट टाइम टू कम इज नवंबर के बाद आओ सीधा मार्च नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी ये 2-3 महीना ही बेस्ट टाइम है उसके बाद लोगों का प्रॉब्लम ये है कि वो आते हैं मई जून में उसके बाद बोलते हैं कि बहुत धूप हो रहा था और उतना धूप तो इंडिया में भी होता है उड़ीसा में तो भी 50 डिग्री हो जाता है कभी कभी लोग आसवे थे बहुत खराब होता बहुत गरम बहुत गरम अरे कौन गरम भुवनेश्वर में भी 50 डिग्री हो गरम उठा ଏବେ ତ ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି ହଁ ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ ଏବେ ଥଣ୍ଡା କମି ହେଇଛି ଏଇଠି ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଥଣ୍ଡା ଅଛି ଘରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଜମା ଥଣ୍ଡା ହେଉନି କହିଲେ ଏଇଠି ତ ମୋବାଇଲ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଆମେ ତ ଫୁଲ୍ ସାର୍ଟ ନ ପିନ୍ଧି ବାହାରି ପାରୁନି पहले जस्ट रीच्ड होम हम लोग निकले थे 6 बजे अभी यहाँ पहुँच रहे रात की 11 बजे घूम रहे हैं कितना देर टाइम जाता है मालूम ही नहीं चलता क्योंकि रात को मेरे पास प्लान था ही गाड़ी लेकर मैं निकलता बट अभी इतना भाई नींद लग रहा है तो आज रात में मस्त वाला एएसएमआर ब्लॉग आता रात के टाइम में मन सुना लोग क्या देखा दुबई रोड्स में
क्या जबरदस्त दिखेगा, आवाज कर करते जाते हैं ना कान पूरा मस्त वाला ये वाला ब्लॉग आएगा रात के, बट रात के वही होता है थक के में आ जाता है। एनी वे सर कार को चार्ज लगाना पड़ेगा, इतना लेट तक मैं भी वेट नहीं करता, कार में भी ओनली दिखा रहा है कितना, फर्स्ट टाइम के लिए मैं देख रहा हूँ डबल डिजिट में ओनली रेंज, मतलब क्लोज टू 96 किलोमीटर से ओनली, मतलब फिर चार्ज लगाना पड़ेगा। चार्ज लगा दिया जा चुका है, चार्जिंग अभी दिखा रहा है कितना, क्लोज टू कल सुबह क्लोज टू 8 बजे तक टोटल चार्ज हो जाना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट 100%, मतलब जाएगा 5 या 6% 100%, क्लोज टू वही पकड़ लो 7 or 8 hours में। गुड बाइस, चलो गैस आज के लिए इतना ही था, अभी कल जो होगा कल सुबह जा शूट करेंगे, वो कल वाला व्लॉग में आ जाएगा। मैं ऑलरेडी गेटिंग टायर्ड राइट नाउ, अभी उनको तो प्लान था कि टिकट सारे जो पेंडिंग है उसको मैं ख़त्म कर देता, बट मेरे को नहीं लगता अभी कुछ कर सकता, कल सुबह ही अभी टिकट क्लोज किया जाएगा। ये सैटरडे संडे कब आएगा भाई, वीक में टाइम ही नहीं मिलता है। अभी मैं फिर इंडिया जाऊँगा, इंडिया के लिए पूरा लंबा लिस्ट ऑलरेडी बन चुका है। एनीवेज आई विल सी यू सून इन द ब्लॉग।